जी हाँ, पाटीदार नेता हार्दिक पटेल द्वारा हालमां ज थोड़ा दिवसों पहला પોતાના WhatsApp ની DP ચેન્જ કરવામાં આવી હતી, જેને કારણે આ મામલો ચર્ચાનો વિષય બન્યો હતો। નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, ખબરછે.com માં હું માલવિકા આપનું સ્વાગત કરું છું। મિત્રો, મારી બોલી સુરતી છે, આથી જો કોઈ શબ્દો સમજવામાં તમને સમસ્યા ઉદ્ભવતી હોય તો તે માટે હું ખેદ વ્યક્ત કરું છું। મિત્રો, આજે આપણે વાત કરીશું પાટીદાર નેતા हार्दिक पटेल ने। जी हाँ, पाटीदार नेता हार्दिक पटेल द्वारा हाल में ज थोड़ा दिवसों पहला पोताना WhatsApp नी DP चेंज करवामां आवी हती, जेने कारणे आ मामलो चर्चानो विषय बन्यो हतो। जी हाँ, तेमणे पोतानी WhatsApp DP में जे फोटो मूक्यो हतो ते फोटामां तेओए केसरी खेस धारण कर्यो हतो, जेने कारणे आ समग्र मामलो चर्चानो विषय बन्यो। त्यारे आ समग्र बाबते हार्दिक पटेले खुलासो आप्यो छे। तो शुं छे आ खुलासो अने तेओ द्वारा आ समग्र बाबते शुं कहेवामां आव्युं छे ते विशे आपणे अहीं विगते वात करीशुं। तापी जिल्लाना सोनगर खाते युथ कांग्रेसना युवा स्वाभिमान सम्मेलन कार्यक्रम में आवेला गुजरात कांग्रेसना कार्यकारी प्रमुख हार्दिक पटेले बीजेपी में जोड़ावानी वात अफवा होवानुं जणाव्युं हतुं। ज्यारे WhatsApp DP में केसरी खेस पहरेला फोटो मूकवा अंगे जणाव्युं हतुं के तमारो अने तमारी पत्नीनो दर 4-5 दिवसे फोटो बदलो छो, एमां कंई एवुं नथी। दुश्मनना वखाण करो एटले एवुं नथी के अफवानी लिंक चोंटी जाय। आ पहला मैं जो बाइडन ना पण वखाण कर्या हता। युथ कांग्रेस ना कार्यक्रम दरमियान ज मंदप हवा ना कारणे उड्यो हतो, जेथी त्यां बैठेला समर्थकों ने खसेरवा पड्या हता। हार्दिक पटेले कह्यु के घर परिवार होय त्यां नाराजगी होय, मारी नाराजगी राज्य कांग्रेस ना नेताओ साथे छे अने ते अंगे हुं ए दिल्ली खाते कांग्रेस नेताओ सामे व्यक्त करी दीधी छे। कांग्रेसना ग्रुपमांथी रिमूव करवा अंगे हार्दिके जणाव्युं हतुं के मने ख्याल नथी, घणा बधा हजारो ग्रुप होय छे, शुं चाले छे एनी चिंता न करवानी होय। तमारी अने मारी चिंता सरदार अने गांधीना गुजरातनी चिंता छे। दिल्हीमां भाजपना नेताओ साथे मुलाकात थई होवा अंगे हार्दिके कह्युं हतुं के थोड़ा दिवस पहला ज मारी मुलाकात वेणुगोपाल अने प्रियंका गांधी साथे थई छे, जे जग जाहेर छे मुलाकात छे, जे अंगे कोई पूछतुं नथी। नरेश पटेलना कांग्रेसमां आववા अंगे कह्युं हतुं के बहु सारी वात छे के हुं मात्र नरेशभाईनी वात नथी करतो, गुजरातने जे लोको बचाववा माटे लड़वा मांगे छे ए तमाम लोकोए आववुं जोईए। नरेशभाईनी तरफदारी सौथी पहला मैं करी छे। 58 वर्षना आगेवान कांग्रेसमां आवता होय तो अमने शुं चिंता होय, कांग्रेसनो खेस न पहेरवा अंगे जणाव्युं हतुं के मारी साथे सुखरामभाई पण छे, तो शुं हुं अने सुखरामभाई बंने जता रहीशुं? आदिवासीनो कार्यक्रम छे, माथा उपर फाटोने गरामा खेस, आ बहु महत्वनी वस्तु छे। मननी अंदर शुं छे, मननी अंदर प्रेम छे ए तमारे लोकोने बतावानी जरूर नथी। आवनारा दिवसोनी अंदर कांग्रेस पार्टीनी मजबूती माटे गुजरातना युवानोनी शक्ति वधारवा माटे जे कंई पण संयुक्त प्रयास करवाना छे ते आगळ वधीने करीशुं। युथ कांग्रेसना कार्यक्रममां हार्दिके संबोधन करता भाजप सरकार पर प्रहारो कर्या हता। जणाव्युं हतुं के गांधीनगरमां आजे जे सरकार बैठी छे तेणे युवानोना सपना तोड़वानुं काम कर्युं छे। पेपर लीकना मुद्दे मजबूत कायदो बनाववो पड़शे, आ कायदो बनशे त्यारे युवानोने समयसर नोकरी मळशे। आ कार्यक्रम आवनारा 40 वर्षनुं भविष्य नक्की करशे। हुं गर्व साथे कहुं छुं के कांग्रेस एकमात्र पार्टी छे जेणे आदिवासी मुख्यमंत्री आप्या छे। हार्दिक पटेलनी नाराजगीने लई कांग्रेसना राष्ट्रीय युवा प्रमुख श्री निवासने स्पष्टता करी हती के राष्ट्रीय युवा प्रमुख श्री निवासने कह्युं के हार्दिक पटेल कांग्रेसमां ज रहेशे, मारे हार्दिक पटेल साथे थई वात थई छे, તેઓ કોંગ્રેસ છોડી ક્યાંય જવાના નથી, કોંગ્રેસમાં જ રહેશે અને કામ કરશે। આ સાથે જ દાવો કર્યો છે કે કોંગ્રેસ પાર્ટીમાં કોઈ નારાજગી નથી। ભારે પવનના કારણે તાપી જિલ્લા યુથ કોંગ્રેસના કાર્યક્રમનો મંડપ પણ ઉડ્યો હતો, જોકે આ સમગ્ર ઘટનામાં કોઈ ઈજા જાનહાનિ થઈ ન હતી। આયોજિત કાર્યક્રમમાં કોંગ્રેસના યુવાઓ, કોંગ્રેસના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ, ગુજરાત પ્રદેશ યુવા મોરચાના અધ્યક્ષ અને દક્ષિણ ગુજરાત કાર્યકરો મોટી સંખ્યામાં હાજર રહ્યા હતા। પાટીદાર નેતા હાર્દિક પટેલે પોતાની ડીપી ચેન્જ કરવા અંગે ખુલાસો આપ્યો છે અને સાથે જ તેઓના નિવેદન પરથી લાગી રહ્યું છે કે તેઓ હવે કોંગ્રેસ છોડીને નહીં જશે, પરંતુ તેઓ કોંગ્રેસમાં રહેશે કે કેમ અને આવનારા સમયમાં અન્ય પાર્ટીમાં જોડાશે કે કેમ તે તો આવનારો સમય જ બતાવશે।